This is a white paper on the Indian economy and its impact on the lives of the people of India. White paper has been laid on the table by a government which, after 10 full years... This is not a white paper, this is a black brush. फरवरी और 2024 में श्वेत पत्र लाने का सिर्फ एक राजनीतिक उद्देश्य है. दिस इज अ पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, दिस इज नॉट अ व्हाइट पेपर. Thank you for giving me this opportunity to make my opening remarks regarding the white paper. This is a white paper on the Indian economy and its impact on the lives of the people of India. White paper has been laid on the table by a government which, after 10 full years, देश को ऐसे गंभीर अवस्था में खड़े रख के चले गए. भगवान जाने अगर वो कंटिन्यू करते इस देश का हालत आज क्या होता. ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सरकार ने भारत देश को कैसे बचाया? नहीं बचाया, नहीं बचाया. मगर कोविड के बाद माननीय मोदी जी ने इस देश का कैसे संभाला? वैक्सीन सबको मुफ्त में दिला दिया और देश को प्रोटेक्ट किया, वो कैसे हुआ? ये श्वेत पत्र नहीं है, ये काला ब्रश है. दिस इज नॉट अ व्हाइट पेपर, दिस इज अ ब्लैक ब्रश. और माननीय वित्त मंत्री जी की जो उत्तेजना है उसको पूरी तरह से प्रमाणित करती है. अध्यक्ष जी, भारत का इतिहास 2014 में शुरू नहीं हुआ था. भारत का इतिहास वर्षों और दशकों पुराना इतिहास है. अगर आप श्वेत पत्र लाना चाहते तो आपको श्वेत पत्र जुलाई 2014 में लेके आना था. मैं समझ सकता था कि आप श्वेत पत्र फरवरी 2015 में लाते, पर फरवरी और 2024 में श्वेत पत्र लाने का सिर्फ एक राजनीतिक उद्देश्य है. दिस इज अ पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, दिस इज नॉट अ व्हाइट पेपर. व्हाट हैपेंड आफ्टर 2008 व्हेन देयर वाज अ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड व्हाट हैपेंड पोस्ट द कोविड शोज क्लियरली दैट इफ द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज सिंसियर, इफ नियत और नियम दोनों सही है तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा. जब आपके नियत साफ नहीं है और आपके कार्रवाई भी साफ नहीं है, देश को इतना गंभीर अवस्था में छोड़कर आप चले गए, उसको सही करने में 10 साल माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी मोदी जी का उनके डेडिकेशन के वजह से आज देश उभर कर आ रही है, पूरे दुनिया में सम्मान हो रही है. अब इनकी जो कहानी है वो आंकड़े अपने आप बयान करेंगे. वर्ष 2013-14 में, जिसको आप कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में पहुंच गई थी, अर्थव्यवस्था को लकुआ मार गया था, कई कई अलंकरण इस्तेमाल किए गए. रविशंकर प्रसाद जी को तो याद ही होगा. अब उसकी असलियत क्या है? 2013 में जो सेविंग्स टू जीडीपी रेशो था वो 34% था. 2022 में वो गिरकर 30% रह गया. जो प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था वो 2013-14 में 60% था. 2023-24 में वो गिर के 56.9% रह गया. जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो था 2013-14 में 33.8% था. और वित्त मंत्री जी, जो जवाब आपने दो दिन पहले दिया है उसमें आपने इस बात को कबूला है
कि वर्ष 2023-24 में वो गिर के 29.20% रह गया है। 2004 से लेके 14 तक 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया। तो जो सरकार 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आती है, उस सरकार के बारे में आप कहते हैं कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। They were absolutely an incompetent government। ये किस तरह का लॉजिक है कि अगर आप अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने 25 करोड़ लोगों को हमारे 10 साल के कार्यकाल में गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, तो जिस सरकार ने 27 करोड़ लोगों को, और इसका जिक्र आपने अपनी 2020-21 के बजट भाषण में भी किया था, उसकी आप निंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। 2004 से लेकर 14 तक फोन बैंकिंग जो व्हाइट पेपर में बाग है, उसमें अंग है, ये बाकी सब नहीं है व्हाइट पेपर के ऊपर बात करने के लिए। सिफारिशों के सौगात से ही एनपीए संकट शुरू हुआ। एनपीए के संकट उससे ही शुरू हुआ, और कोलैटरल भी नहीं था, या आधा कोलैटरल दे करके पूरे लोन लिया। जब एनपीए को सुधारने के लिए हम जा रहे हैं, कोलैटरल लोन अगर 1 करोड़ का था, कोलैटरल 30 लाख तक भी नहीं था। तो लोन देने के लिए बैंक को कंपल कर रही हो। फिर जब वो एनपीए हो जाता है, उनके कोलैटरल का कागज का टुकड़ा कुछ वैल्यू भी नहीं है, फिर बैंक कैसे सुधारेगी? आप तो एक बहुत पढ़ी लिखी अर्थशास्त्री हैं, आपको ये बात मालूम है कि किसी भी लोन को सैंक्शन करने से पहले उसका जो चीफ जनरल मैनेजर है वो ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट साइन करता है, उसके बाद उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको अप्रूव करता है। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि आप फोन बैंकिंग की बात करती हैं, पिछले 10 वर्ष में आपने किसके खिलाफ एक्शन लिया? कौन से चीफ जनरल मैनेजर के खिलाफ एक्शन लिया? कौन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया? कौन से राजनीतिज्ञ के खिलाफ एक्शन लिया? सर 2013-14 What was the production, sir? Production 567 million tons. I am speaking of 900 million tons this year, 1 billion tons this coming year. So what? What are you talking, man? So please, sir. प्रोडक्शन भारत देश में उत्पादन हुआ, इंपोर्ट करने का नेसेसिटी नहीं होगा, फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट करने को नहीं होगा। सिंपल इकोनॉमिक्स सर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। कभी भी बोलते हैं प्राइवेट का इतना प्रोत्साहन दे रही हो, इनके पॉलिसी के द्वारा पब्लिक सेक्टर भी बेनिफिट नहीं पहुंचा। आपको मालूम है कहां पहुंचा पब्लिक सेक्टर? अब मैं जीडीपी के ग्रोथ रेट पे आता हूं। वर्ष 2005 से लेकर 14 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था थी क्यूमुलेटिवली, वो 6.8% से बढ़ी, और 2015 से लेकर 2024 तक वो अर्थव्यवस्था 5.9% से बढ़ी। और आप ये कहती हैं कि हमने अर्थव्यवस्था का सत्यानाश कर दिया, हमने अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी, हमने सारे बैंक लूट लिए। तो अगर ये सारी बात सही है वित्त मंत्री जी, तो ऐसा क्यों है कि जो हमारे 10 साल का कार्यकाल था उसमें अर्थव्यवस्था आपके 10 साल के कार्यकाल से ज्यादा बढ़ी? और ये दोनों जो आंकड़े हैं 2011-12 की प्राइसेस के ऊपर है, इसमें फर्क नहीं है कि 2004-05 की प्राइसेस के ऊपर कोई आंकड़ा है और 2011-12 की प्राइसेस के ऊपर कुछ आंकड़ा है। अब जब हमने 26 मई 2014 को सरकार छोड़ी, तो $1.5865 का था। 4 फरवरी 2024 को वो $82.93 का है। तो उस समय तो डॉलर के ऊपर बहुत उत्तेजना होती थी, बड़ी बड़ी बहस होती थी रोज टेलीविजन के ऊपर। ये कहा जाता था कि डॉलर प्रधानमंत्री की उम्र से तेजी से बढ़ रहा है,
आज क्या हुआ? टॉप 200 कंपनीज इन मार्च 2014 ओड अबाउट 8.6 लाख करोड़ टू द बैंक्स. बैंक को बकाया 8.6 लाख करोड़ था. पहचान तक नहीं हुआ उस समय हमने क्या किया. चार शब्दों कह करके मैं बैठ जाता. रिकैपिटलाइजेशन किया बैंक का, एसेट क्वालिटी रिव्यू किया बैंक का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्डर हुआ उसका, प्रोविजनिंग किया, बैंक ब्यूरो सेटअप किया, डायरेक्ट लेंडिंग को फोन करके किसी को डायरेक्ट करके ले लोन दो ऐसे आदेश नहीं दिया. फोर स्ट्रैटेजी फॉर्म किया, आर का रिकॉग्निशन रेसोल्यूशन रिकैपिटलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स. आईबीसी कानून ले आया जिससे जल्दी जल्दी निपट लें केसेस को और बैंक को पैसा वापस दें. ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है और स्टैंडिंग कमेटी और फाइनेंस की इसके ऊपर एक नहीं 15 रिपोर्ट है. जो आपका इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी एक्ट है उसने जो बैंक लूट है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया. द आईबीसी प्रोसेस हैज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बैंक लूट.